है। अच्छा भाई ये सात दाने हैं ऐसे, सात है अभी, सात मंजिला। हाँ इसके नीचे सात है। अच्छा इस तरीके के, ये सेकंड है, अभी इसके नीचे पांच और। अच्छा लाइट दिखाओ, जयदीप लाइट दिखाना थोड़ा, ऊपर देखो इधर, इधर ऊपर की तरफ देखो पूरा। गाइस ये देखो यहाँ पे चमगादड़ों की आवाजें आ रही हैं। हाँ ये हम लोग हैं अभी राजगढ़ के किले में। अभी भाई दिखाएगा हमको कुआ। भाई कितना पुराना होगा आइडिया में आपको पता हो तो? ये 1770 में बना हुआ है भाई, 1770। तो भाई ये देखो आप लोग, ये ऊपर से, अच्छा जो सुदेश हम लोग जो बात कर रहे थे ना वो ये वाला एक्चुअल में क्या ऊपर से देखा है हमने ये। अच्छा तो मतलब उदाले के लिए। अच्छा अच्छा इसके लिए बना रखे हैं जगह जगह छेद से, अब बाकी तो बंद कर दे, एक हो रहा एक ये ऊपर लाइट ऊपर मत करना भैया। अच्छा ठीक है, क्योंकि चमगादड़ आएगी एकदम से नहीं मुंह पे आ गया। अच्छा 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 नीचे रखना लाइट, ठीक है ठीक है। तो भाई अभी, अरे रुको ना, अभी एक्चुअल में क्या अंदर चमगादड़ उड़ रही है तो हम लोग पहले बाहर का विजिट करते हैं और फिर आपको अंदर का दिखा पाएंगे। आज जो खुफिया खुफिया चीज है ना वो भाई दिखाएगा हमको, जो नीचे आपको जो छेद दिखेगा ना वो यहाँ का है, ये वाला जो छेद है। अच्छा तो इसके अंदर है वो जो पूरा अंडरग्राउंड किला है एक तरीके से, अंडरग्राउंड किले के ऊपर है, किले के अंदर भी अंडरग्राउंड किला है ये। ये ना ये कबूतर बैठा है ना, देखो ये पत्थर गया है। ओ यहाँ जगह जाएंगे, यहाँ से ऊपर दिखाऊंगा मैं आपको ऊपर की तरफ। अच्छा आके फिर ऊपर देखो, नीचे लाइट भी नीचे ही, देखो नीचे मुंह करके हम लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है। हो जाए वही नीचे, नीचे फेस करके, नीचे फेस करके जा रहे हैं हम लोग। अच्छा सेकंड फ्लोर है दोस्तों, ये सेकंड फ्लोर ऊपर नहीं है, सेकंड फ्लोर नीचे है, बेसमेंट वाला सेकंड फ्लोर है। अच्छा तो ये देखिए एक मिनट इसको, ये चलो आप चलो, सुरंग नुमा आकृति है जहाँ पे हमको नीचे झुक के चलना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका ढलान है वो नीचे की तरफ। ये कुआ है पूरा, ये वो कुआ है, ये कितना गहरा होगा किसी को नहीं पता। ऊपर की तरफ देखो, ये सीक्रेट रास्ते थे किसी जमाने में आने के ना। ये सीक्रेट रास्ते हैं जो आप बता रहे थे, सात मंजिला और भी नीचे। हाँ ये कुएं का ही रास्ता है वो, सात। अच्छा पांच फ्लोर हो रहा है, एक तो ऊपर हो गया, फिर तीसरा, फिर अब उनके जाने के लिए है कोई रास्ता? उनके भी जो रास्ते हैं पर वो भी बंद कर रहे, बंद कर रखे हैं। और भी रास्ते हैं मतलब ठेठ तली तक जा सकते हैं। हाँ पूरा तली तक का है पूरा रास्ता भाई, अंदर ऊपर दिखाओ यार थोड़ा, ऊपर तो कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, एकदम अंधेरा है एकदम। ये कम से कम फुट में देखे तो कम से कम 30 फुट ऊंचा है ये। 30 फीट ऊंचा है ना कम से कम? हाँ 30 फुट से ज्यादा ही ऊंचा है, तो 30 फीट का एक फ्लोर मान सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ तो आप सोच सकते हो गाइस कितना गहरा होगा, ये सात फ्लोर है, इस तरीके से कितना गहरा होगा। ये चीज तो है ही नहीं राजस्थान में। और ये वाला क्या चीज है, ये जो महल था किसी टाइम, ये ये है सभागार। सभागार एक बार देखे आते हैं क्या? हाँ देखिए, चलो आइए दोस्तों। ये जो जगह है ना ये है सभागार, और ये पूरा ग्राउंड होता था किसी टाइम जहाँ बैठ के राजा महाराजा सभा करते थे। पहले के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है, पहले जैसा ही है जैसा पहले था? थोड़ा खराब कर दिया। ये क्या चीज है? फांसी लगती थी। अच्छा ये फांसी लगती थी। अंदर जा सकते हैं नीचे? नीचे जाने का कोई वो नहीं है, रास्ता तो है पर यहाँ कभी गया नहीं मैं। अच्छा अच्छा तो दोस्तों ये वो जगह जहाँ पे फांसी वगैरह दी जाती थी, और ये पूरा महल जो कि एक तरीके से सभागार होता था। तोप लगाई जाती थी। अच्छा तो यहाँ से तोप वगैरह चले? सैनिक रहते थे, ये बाहर की सुरक्षा करते थे चारों तरफ। अच्छा यहाँ तोप लगाई जाती थी एक। ये देखो इसके अंदर की बात है, वो जो कुएं वगैरह देखे आप लोगों ने, बाकी ये पूरा पीछे की साइड का व्यू है सामने भूरा सिद्ध हनुमान। और हाँ राजगढ़ की फेमस एक वहां पे भी जगह है जो कि है भूरा सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ में काफी ऊंचाई पे है।
ये पूरा ऊपर रहवास था इनका। अच्छा, रहने के लिए आवास, ये रेजिडेंस थे जो राजा महाराजा लोग। अच्छा, खाना वाना बनाने के सही काला काला हो रहा है ना। अच्छा, ये खाने बनाने का। और ये देखो, ये पहले के ही मार्बल हैं। इसमें है ना 100 करोड़ का बजट आया है अभी, और 100 करोड़ में इसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा ओबरॉय ग्रुप के माध्यम से। यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज थी लैटरिंग बाथरूम, देख सकते हो। ये चीज है लैटरिंग बाथरूम की, जो कि बाहर जाता है, और ये बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बाहर कहाँ जाके खुलता है। ये बाथरूम भी अटैच होता था। अच्छा, नीचे भी तहखाने में इसी तरीके के लाइट बाथ मिलेंगे ना। कितने फ्लोर का होगा ये समथिंग? ये भाई अंदाजा नहीं है इसका, नीचे तक का तो। अच्छा, नीचे तक का कभी किसी, हाँ तुम वहाँ गए थे ना? हाँ, वो पूरा देखे थे। हाँ हाँ, उसके नीचे भी ऐसा ही पूरा महल है पूरा। अच्छा, पूरा महल इसी तरीके से नीचे की तरफ। तो भाई ये जो महल जितना दिखता है उससे 4-5 गुना बड़ा है, जो दिखता है उससे भी नीचे इसी तरीके के पोर्शन है इसमें। अच्छा, नीचे इसके आप यहाँ आए हो? हाँ, जस्ट इसके नीचे भी ऐसे ही, ये पूरा अंडरग्राउंड महल है। ये देखो, अच्छा, जहाँ पे महाराज सोते थे वो ये जगह है। देखो, जहाँ पे इनका सोने का जो आवास होता था वो ये जगह है। अच्छा, खुदाई के चक्कर में? अच्छा अच्छा, पहले के जो राजा महाराजाओं का जो माल है उसको निकालने के चक्कर में लोग बाग यहाँ पहले खुदाई वगैरह करते थे। अच्छा, तो दोस्तों ये देखो, जहाँ पे लोग बागों ने खुदाई की है उनको लगता है कि सोना चांदी अभी भी है इसमें, तो ये वो ही पोर्शन। और ये देख सकते हो, ये खुदाई वगैरह हुई है यहाँ पे। आ रहे तो गाइस, जो बाहर से आपको गोल गोल दिखता है ना वो ये चीज, इसमें चारों साइड में इस तरीके के आले बने हुए हैं, और इसमें ऐसे घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। ये देखो, यहीं आ गए हम। ये देखो, ये ऊपर जाने के रास्ते हैं। ये देखो मार्बल उस जमाने का। और यहां से हम लोगों ने एंट्री की थी, जो पहले इलीगल तरीके से यहां से एंट्री थी, बट वो बंद हो चुकी है अब। और यहां पे बताते हैं कि जो राजा महाराजा थे इनका रेजिडेंस था यहां पे। और जहां से हम लोग गोल गोल घूम के आए ना, वो चीज दिखाता हूं मैं आपको। और ये यहां का एक बाहर का पार्ट है, बाहर का बोले तो ये बाहर का बाहरी हिस्सा है। और ये जो जितना भी दिखेगा ना आपको गोल गोल, हम इसके नीचे ही घूम रहे थे, जो आपको वैसा है वहां दिखेगा उस तरीके से। पहले वहां थे हम, ये पूरा इसी के अंदर लैटरिन बाथरूम वगैरह का जो अटैचमेंट है वो था। और यहां से आपको राजगढ़ के नजारे देखने को मिलेंगे। पहले किले के चारों साइड में परकोटा था, जिसके कुछ अवशेष अभी भी वहां बचे हुए हैं। और ये बाहर से दिखने में यहां से छतरियां दिखती हैं, ये एक पहाड़ पे जमा हुआ किला है। ये देखो छतरियां। और यहां से राजगढ़ का वो पार्ट दिखता है, और ये इसका मेन एंट्रेंस था यहां से। और ये उसी एरिया में खड़े हैं जहां से लोग गोल गोल घूम के नीचे चले जाते हैं। भाई कुछ बताओगे थोड़ा सा, ये जो परकोटा वरकोटा बना हुआ है ये किस चीज के रिकॉर्डिंग? ये सामने वो थाना है ना। अच्छा, ये पहले यहाँ थाना चलता था? नहीं, पहले तो था। हाँ, उससे पहले इसमें घोड़े घोड़े बनते थे, अस्तबल था एक तरीके से। हाँ, वो अस्तबल था, घोड़ों का अस्तबल। और इसका मेन एंट्री था जो वहीं से था। देखो मैं आपको मेन एंट्री, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये मेन एंट्री का रास्ता था। यहाँ से इस तरीके से वहाँ से मेन एंट्री होती थी। यहाँ पहले 7 दरवाजे थे पहले, ठीक है? एक बोरा दरवाजा, एक बसवा दरवाजा है, इधर है मालाखेड़ा दरवाजा है, 5-7 दरवाजे हैं जहाँ से एंट्री होती थी पहले। अच्छा, राजगढ़ के किले में पहले 7 दरवाजे थे जहाँ से एंट्री। अच्छा, तो एक वहाँ दिख रहा है वहाँ आपको, हाँ, वो दरवाजा। अच्छा, और उसके ऊपर वो इस तरीके से परकोटा था जिससे किला पूरी तरीके से सिक्योर था। और ये आपको दिखेंगे जो राजगढ़ शायद कस्बे के जो नजारे हैं, और यहाँ से पूरी मेन एंट्री होती है। अब इसको धीरे धीरे होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये देखो, अब ये टूटने की कगार पे है। ये देखो किस तरीके से जो पत्थर वगैरह हैं, ये अब धीरे धीरे निकल जाएंगे आने वाले टाइम पे। रेजिडेंस था वो इस टाइप का था यहाँ पे, है ना? हाँ, ये पूरा रेजिडेंस, ये जो पार्ट है ये पूरा, ये पूरा। अच्छा, 3 फ्लोर पे लोग रहते थे। हाँ,
रहते तो मतलब क्या करते थे। हाँ बट यहाँ पे राजा महाराजाओं का प्लस उसके जो मेन काम करते थे ना। अच्छा वो लोग रहते थे। अच्छा कितना मंजिल होगा कम से कम इसमें जो अभी हाल फिलहाल है? ये 4-5 के करीब। और इतना ही कम से कम नीचे होगा? अच्छा उसका रास्ता पूरा बंद रहेगा। और भाई ये सी स्मेल है, ये सोने की सोना लग रहा था ये टुकड़ी। अच्छा यहाँ पे तो ये हटा लिए गए हैं? यहाँ राजा पहले गए थे ना। अच्छा तभी हटा लेंगे। तो ये जो जगह है यहाँ पे पहले सोना वगैरह लगा हुआ था, सोना हीरा जवाहरात। कौन सी ये जो पीली पीली है सोने की पॉलिश है? तो दोस्तों ये जो चीज दिखेगी ना आपको पीली पीली, ये सोने की पॉलिश है उस जमाने की। देखो आज भी इसकी जो चमक है ना वो कितनी खूबसूरत है। ये सब पीली पीली जो है ना सब सोने की पॉलिश बता रहे हैं। और यहाँ पे थे वो जो बता रहे हैं ये, तो इनको सबको निकाल लिया है अभी। ये पूरा मार्बल का बना हुआ है उस जमाने का। और ये अच्छा सीस महल कहते हैं इसको, सीसो के आपको। अच्छा लोग बाग पहले उधर पीछे से घुसते थे है ना। और ये पेंटिंग वगैरह उसी जमाने की है। ये जो कलाकारी है ये सब कुछ सोने की है। ये जो पॉलिश है ना देखो, आज भी कितने जमाने बीत गए इसको, बट आज भी आपको ये जो पॉलिश है ना ये चीज, ये जो दिखेगी ये वाली, ये सब सोने की है। देखो यार कितनी चमक है आज भी। ये देखो ये वाला जो फूल है ये पूरा, इसमें जो बता रहे हैं ये लोग, चमक है जो पूरे सोने की है। किले का नक्शा कहाँ पे है? अच्छा देखो ये है किले का नक्शा। किसी जमाने में जब ये किला पूरा प्रॉपर तरीके से इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये पूरी सभा वगैरह हो रही है उस जमाने में, तो ये एक पूरा नक्शा है। और इसके अलावा एक उधर भी है। अच्छा आधा इधर है आधा पार्ट उधर है। ये नक्शा है इस किले का। और देखो वो वाला जो रास्ता है ना, वहां से इसमें अंदर जाने का रास्ता है। और ये राजा महाराजाओं का मेन मंच हुआ करता था, जब जहां पे सभा वगैरह जुड़ती थी इस तरीके से। और ये कुछ पार्ट है जो डैमेज हो चुका है, ये पूरा था इस तरीके से, पूरे फ्लोर थे बट ये डैमेज हो गया। ये इसका मेन यहां से एंट्री गेट है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। यहां से मेन गेट की वहां से एंट्री, उसके बाद में यहां आते हैं, उसके बाद में फिर आगे वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। और ये यहां से पूरा व्यू दिखता है आपको पूरे शहर का। और ये शायद ये चीजें हैं, ये बाद में लगाई थी टीन वगैरह। देखो अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग, अभी नीचे जा रहे हैं। और वो जो गोल गोल से जो नीचे से दिखाऊंगा मैं आपको, जो चीज है ना वो एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कुएं हैं जो बता रहे हैं भाई। और जो मैंने आपको ऊपर जो हॉल दिखाए थे ना, वो हॉल आपको यहाँ नजर आएंगे जिनसे रोशनी आती है। एक हॉल वहां पे भी है। चलो ये देखो उस जमाने, आज भी यहाँ कितनी ठंड है भाई, बहुत तो यार बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर मत कर भाई, ऊपर मत। उधर तो चली सकते हैं। देखो नीचे मुंह करके हम लोग जा रहे हैं अभी। बहुत ज्यादा हो रही है। चलो आप आगे चलो। 14 क्या चीज लिख रखी है इसमें? ये तो यहाँ नाप चली ना, मैपिंग करी है इसकी। अच्छा वही नीचे फेस करके जा रहे हैं हम लोग। अच्छा इसमें ये भी सिस्टम है कि कहीं खून आ जाए। और ग्लव्स गिर गया, माय गॉड। एक आए भाई, हमारे सामान गिर गए यहाँ, पकड़ के रखो। देखो यहाँ से अब नहीं है। अच्छा लाइट, ये देखो तय खाने मेरा हाथ पे भी पूरा पकड़ दियो। तो अभी हम दूसरी मंजिल पे हैं शायद। अच्छा सेकंड फ्लोर है दोस्तों, ये सेकंड फ्लोर ऊपर नहीं है, सेकंड फ्लोर नीचे है, बेसमेंट वाला सेकंड फ्लोर है। हम थोड़ा दुख का जाने ना। अच्छा तो ये देखिए एक इसको, ये चलो आप चलो, सुरंग नुमा आकृति है जहाँ पे हमको नीचे झुक के चलना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका ढलान है वो नीचे की तरफ।
ये कुआ है पूरा, क्या ठंडी है, ये वो कुआ है, कितना गहरा होगा किसी को नहीं पता। ऊपर की तरफ देखो, ये सीक्रेट रास्ते थे किसी जमाने में आने के, है ना। ये सीक्रेट रास्ते हैं, जो आप बता रहे थे सात मंजिल और भी नीचे। हाँ, ये कुएं का ही रास्ता है वो सात। अच्छा, पांच फ्लोर हो रहा है, एक ऊपर हो गया, तीसरा। अब उनके जाने के लिए है कोई रास्ता? उनके भी जो रास्ते हैं पर वो भी बंद कर, बंद कर देते हैं। और भी रास्ते हैं, मतलब ठेठ तली तक जा सकते हैं। हाँ, पूरा तली तक है पूरा रास्ता भाई। अंदर कितनी ठंड है यार, पर यहाँ का ये क्या चीज है? ये किसी जमाने में क्या होती थी, ये तोप वगैरह चलाने के लिए, ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो हो जाता तो एक्स्ट्रा पानी निकलने, ओवरफ्लो होने के लिए इस तरीके से ये बनाए। चलो भैया, और देखो यहाँ तो भाई झुक के ही जाना पड़ेगा वापस से, इसको आ ही नहीं सकता। ये ऊपर ऊपर दिखाओ यार, थोड़ा ऊपर तो कुछ दिखेगा ही नहीं भाई, एकदम अंधेरा है एकदम। ये कम से कम फुट में देखे तो कम से कम 30 फुट ऊंचा है ये। 30 फीट ऊंचा है ना कम से कम? हाँ, 30 फुट से ज्यादा ही होता है। तो 30 फीट का एक फ्लोर मान सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो आप सोच सकते हो गाइस कितना गहरा होगा ये, 7 फ्लोर है, इस तरीके से कितना गहरा होगा। 210 फीट, 250 फीट। अच्छा, ये पूरा पत्थर है ये, देखो मैं, ये पूरी एक शिला है जिस शिला के चारों साइड में किले की जो एक तरीके से बोल सकते हैं ना, साइड में जो नींव रखी थी वो नींव का ही एक पार्ट है ये, है ना। ये पूरी है ना एकदम, ये आपको जहां तक दिखेगा कैमरे में, ये पूरी एक शिला है, शिला टाइप की है। और देखो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं करीब से आपको, ये देखो। और इस फ्लोर पे चमगादड़ भी इतना नहीं है, इस वाले फ्लोर पे चमगादड़ नहीं है जिसके उधर दूसरा वाला फ्लोर। और यहाँ पे है ना लोग बाग घूम भी जाते हैं, कॉकपिट बोलते हैं इसको, चमगादड़ की, बहुत महंगी दिखती है, पेड़ अच्छे होते हैं। गाइस कितनी ठंड है। और ये चीज इधर, एक मिनट देख लेता हूँ मैं तो नॉर्मल। अच्छा, इधर भी एक ऊपर की तरफ कोई गिरी है ऐसे सीधी सी। अच्छा, यहाँ से जाने का भी है ऊपर? ना ना, रास्ता नहीं है। अच्छा, ये तो वैसे ही बना रखे हैं। ओके, बीट है। अच्छा, ये बीट है इधर की तरफ, बीट लैंप है। और ये क्या चीज है? अच्छा, ये फ्लोर का तल बना रखे एक तरीके से, रूम होते थे ना यही है जिस तरीके से। ऐसा ही है। अच्छा, ये सीढ़ियां हैं, ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं। बस यहाँ तक ही है, फिर खत्म नहीं। अच्छा, इसके ऊपर तो किले का जो छत है वो लकड़ी। और ये वाली जो लकड़ियां है ना, ये आप लोग देख सकते हो, ये तभी की लगी हुई है। यहाँ पे भी मैं दिखा दूं आपको, ये देखो भाई, ये चीज शायद ही किसी ने आपको राजगढ़ के किले में, ये चीज मेरे को लगता नहीं है हिस्ट्री में पहली बार देखा होगा ये सब, जो आप लोग जो देख रहे हो इतिहास में पहली बार। अच्छा, किसी को अलाउ नहीं है यहाँ से। और देखिए हम अब ऊपर चढ़ रहे हैं पूरे, और ये देखो हम लोग अब ऊपर चढ़ रहे हैं। तो सोच सकते हो हम लोग कितनी गहराई में होंगे। ये देखो यहाँ रोशनी दिखती है, सफाई हो गई। अच्छा, सफाई अभी हुई है ना। ये किसी टाइम पे घोड़ों का अस्तबल होता था ना, और ये इसका ये जो है ये मेन गेट है। मेन गेट से, मेन गेट पे इस तरीके की ईंट वगैरह बिछाई हुई है, और यहाँ से मेन गेट में एंट्री कर जाते हैं। और यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल होता था। अभी हाल फिलहाल में इसमें काम चल रहा है, तो मेन गेट पे लॉक वगैरह, हालांकि पहले भी अलाउ नहीं था, बट पहले जहां से लोग जाते थे ना वो चीज अब सब बंद कर दिए। और देखो जो गोल गोल जो मैं बता रहा था ना आपको दोस्तों, इसके अंदर पूरे हम घूम के आए थे, वो ये वाली चीज है इसके अंदर है। और वो खाई वगैरह जो मैं, कुएं वगैरह हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मैं आपको दिखा रहा था ना, जो कुएं जो कहाँ पे हैं, देखो उसके अलावा यहाँ पे आपको एक, ये क्या चीज है, सात चौक की हवेली। देखो सात चौक की हवेली वहां पे है, और यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर है ना ये, हनुमान जी किले वाले हनुमान जी का मंदिर है। इसके अलावा एक गुफा भी है, जो भाई देखो लोकल होने का सबसे बेनिफिट यही है कि भाई लोगों से कनेक्शन अच्छे से हो जाता है, ये अच्छे से एक्सप्लोर करा पाते हैं। ये देखो कितना रिस्की है ये जगह। तो अभी हम आओ कभी गुफा में देखो इसके अंदर अब जा रहे हैं, गुफा देखेंगे। देखो यहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का किले वाला, उसके अंदर है एक गुफा जिसमें हम लोग जा रहे हैं अभी।
भाई ऊपर जो आराम से ना। ये गुफा किस काम की है जैसे, मतलब ये ऐसे होना, ये मानो बहुत ही ये जगह बहुत अजीब है, हर कोई यहाँ आया नहीं है पहले कभी, और ये चीजें सोशल मीडिया पर शायद पहली बार ही इनबिल्ड हो रही है। ये गुफा है, ऊपर मंदिर है, मंदिर के नीचे का है, मंदिर के नीचे है ना, मंदिर के नीचे गुफा है, किले के नीचे एक कुआ है, तो मंदिर के नीचे गुफा है। ये देखो, ये पहले के जमाने में गुप्त रास्ते होते थे जिनसे राजा महाराजा, सुनने में आता है कि माचाड़ी का जो रानी की बावड़ी है ना, उसका भी फ्यूचर में मैं ब्लॉग बनाऊंगा, वो सब कुछ एक चीज से कनेक्ट थी। ऊपर मंदिर के मंदिर ऊपर है। अच्छा, यहाँ ऊपर जाओगे ना मंदिर में तो ऊपर से यह चीज दिखेगी, तो भैया वालों इस तो। अच्छा, वो गोल गोल सा बना हुआ है उत्तर उसके नीचे। अच्छा, तो ये नीचे के माचाड़ी हो जा रही है, यही हाँ माचाड़ी भी जा रहे हैं ना, वो रानी की बावड़ी माचाड़ी का जो किला। अच्छा, ये सीढ़ियां थी किसी जमाने में ना। हाँ, ये सीढ़ियां थी, ये बंद करती। और ऊपर यहाँ के जो पार्ट है, ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। तो ये देखो, ये भी गुफा है जो कि राजगढ़ के किले में, और जो गुफा है ना वो यही मंदिर के नीचे है। दरवाजे बंद कर दिए, चलो। देखो ये जो मंदिर है ना, इसके नीचे है वो गुफा जो अभी आपको रिसेंटली मैंने दिखाई, और ये हनुमान जी का मंदिर है। देखो इसकी भी कितनी खूबसूरत तरीके से कलाकारी की हुई है, और ये लकड़ी वगैरह उसी जमाने की है, किसी जमाने में हो सकता है शायद फव्वारा चलता हो यहाँ पे। जो चीज वो नीचे से हमको दिख रही थी ना फूटी हुई, वो ये चीज है। देखो ये वाली, ये जो चीज है ना, ये हमको नीचे से दिख रही थी वो यही है, गुफा का ऊपर वाला जो फेस है ना वो।